नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ गजलें इस कदर मशहूर हैं कि इन दोनों देशों के तमाम बड़े फनकारों ने उसे गाया है। ऐसे में इन गजलों को गाना और उन्हें निभाना दोनों अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब सिर्फ एक 19-20 साल की बच्ची इस चैलेंज को बखूबी निभा ले जाए तो फिर मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, वाह भाई वाह। और वो निभाने वाली कलाकार हैं नंदिनी गायकवाड़। मैं नंदिनी गायकवाड़ को आमंत्रित करता हूँ रागगिरी के इस मंच पर। नंदिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरे रागगिरी टीम की, शिवेंद्र सर, आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इस इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत थैंक यू। तो नंदिनी, आज जाने की जिद ना करो तो आपकी जो गजल आपने गाई उसको बहुत लोगों ने सराहा, बहुत लोगों ने पसंद किया। तो उस गजल को हम आपसे गुजारिश नहीं करेंगे बल्कि गुजारिश करेंगे कि कोई दूसरी गजल आप हमें जरूर सुनाइए। हरिहरन साहब जी की गजल है, तो मैं शुरू करती हूँ। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कंधे पे तेरा सर होता, मेरे कंधे ऐसा कोई मंजर होता। थैंक यू। नन्नी, आप आते हैं इंटरव्यू को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं, तो एक तो यही कि आपकी जो तालीम है, आपकी जो शिक्षा है, वो आपके पिता की देखरेख में हो रही है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी जी, जरूर। मेरी तालीम मेरे पिताजी श्री अंगद गायकवाड़, उनके पास ही चल रही है। बहुत बचपन से मैं उनके पास गाना सीख रही हूँ, बल्कि घर में ही संगीत का पूरा वातावरण था, इसलिए मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। और थोड़ा सा मैं जब थोड़ा सा बहुत बचपन से गाने लगी, तब पापा ने उसको समझा और पापा को लगा कि मैं गा सकती हूँ, तो उन्होंने एक बार मुझे सामने बिठा के मुझसे कुछ सुना उन्होंने, और उसके बाद से उन्हें लगा कि हम इसको भी सिखा सकते हैं और नंदिनी भी बहुत अच्छा गा सकती है, तो उन्होंने मुझे बहुत बचपन से तालीम देना शुरू किया। और फिर आपने गंधर्व महाविद्यालय से भी आपका एसोसिएशन रहा है, वहां से भी आप तालीम ले रही हैं, वहां से भी शिक्षा ले रही हैं, वो कितना अलग है, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके करियर में एज अ ग्रोथ के हिसाब से अगर बात की जाए, एक गायक के तौर पर, एक शास्त्रीय गायक के तौर पर? जी जी, जरूर। गांधर्व महाविद्यालय की जो परीक्षा है उसका भी महत्व बहुत अहम है, क्योंकि प्रारंभिक से लेके मध्यमा, विशारद, अलंकार, ये सब परीक्षाएं होती है, और उससे एक विद्यार्थी का, एक सीखने वाले का बहुत क्या बोलते हैं हम उसको, बहुत तैयारी हो जाती है, बहुत रागों की तैयारी हो जाती है, तो निश्चित रूप से ही उसका महत्व बहुत अहम है। और वो परीक्षाएं हम हमारे गुरु के पास सीख के ही देते हैं, तो ये सब गांधर्व महाविद्यालय की परीक्षाएं हम देते हैं। नंदिनी, हम अमूमन अपने इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं तो कलाकार से गुजारिश करते हैं कि वो कोई भक्ति रचना सुनाए, लेकिन चूंकि हमने आज थोड़ा सा रवायत को बदला, गजल से शुरुआत की, लेकिन फिर भी अब एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि आप कोई भजन सुनाए हमारे लिए। एक भजन मैं सुनाना चाहती हूँ। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मैं
चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया अवसर पाया अवसर पाया। धन्यवाद। नन्नी, अभी आपकी जो उम्र है उसमें पढ़ाई का भी एक लगातार चलती रहती है साथ में, और उसके साथ संगीत का रियाज, तो ये जो संतुलन है उसको आप कैसे बनाती हैं, और उसमें आपके जो पिता हैं वो किस तरह से आपको गाइड करते हैं? अभी मेरी उम्र 18 साल है, तो अभी मैं 12th में पढ़ रही हूँ। तो बचपन से ही मैं गाती आ रही हूँ, मेरी बहन अंजलि और मैं, हम दोनों बहनें बचपन से गाती आ रही हैं, और उसी की वजह से हम अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हो या महाराष्ट्र में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सब कॉम्पिटिशन्स में हम पार्ट ले चुके हैं, और माता रानी की कृपा से हम सभी कॉम्पिटिशन्स में हमें प्राइज मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है, सेकेंड प्राइज मिला है। तो बहुत बचपन से ये हमें आदत है कि हम कहीं भी प्रोग्राम्स के लिए या कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं तो स्कूल भी बहुत हमारा हमें कोऑपरेट करता है, वो भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो पढ़ाई की भी बहुत मतलब महत्व बहुत उसका भी उतना ही महत्व हमारी दोनों की भी जिंदगी में है। तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं। मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है कि मुझे 10th में 86% थे, जो कि मैंने 2 महीने सिर्फ उसकी पढ़ाई की थी, क्योंकि कुछ रियलिटी शोज या उसकी वजह से मुझे पढ़ाई को वक्त नहीं मिला था। लेकिन बोलते हैं ना, संगीत की हम जब आराधना कर रहे होते हैं तब हमारी एक मन की शांति होती है, मन शांत हो जाता है, मतलब विचलित नहीं होता है। तो इसलिए पढ़ाई में जो बाकी के बच्चे ज्यादा करते हैं उनकी तुलना में हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। तो पढ़ाई और संगीत, ये दोनों भी, और पापा हमें संगीत में शिक्षा देते हैं, वैसे ही मम्मी हमारा पढ़ाई का ध्यान रखती है और बाकी सबका ध्यान रखती है। और आपकी तो बहन भी संगीत से ही जुड़ी हुई है, उनके बारे में भी बताइए। मेरी बहन अंजलि गायकवाड़, अभी जो इंडियन आइडल में उसका सिलेक्शन हुआ है और अभी जो इंडियन आइडल में गा रही है, तो हम दोनों भी बहुत बचपन से गाते हैं। मैं उससे बड़ी हूँ, तो मैंने जब से शुरू किया है तब से मेरा सुन सुन के मेरा अनुकरण उसने किया, और पापा हमेशा कहते हैं कि बड़े का अनुकरण छोटा करता है, तो वैसे ही उसने मेरा मतलब मैं जब गाती थी तब वो मेरे साथ गाती थी, और बहुत बहुत ही अच्छा गाती है वो। मेरी बहन है इसलिए नहीं कह रही हूँ, पर बहुत अच्छा। हम दोनों का भी सौभाग्य है कि हमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान मिल रहा है, वो भी पिताजी से ही, पिताजी ही हमारी गुरु है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नन्नी, कोई एक प्रॉपर शास्त्रीय राग हो जाए जो आप हमको सुनाना चाहती हूँ? मैं एक राग मारू बिहाग में एक बंदिश सुनाती हूँ, जो कि कंपोजिशन मेरे पिताजी का ही है। मनमोहन बिन बचाए बजाए, मनमोहन बिन बजाए, मनमोहन बिन बजाए, किसकी भरी गाए तान, मनमोहन बिन बजाए, किसकी भरी गाए तान, मनमोहन बिन बजाए, कुंडलये हलत मधुर, कुंडलये हलत मधुर, कुंडलये हलत मधुर, कुंड
कुंडलय हलत मधुर कुंडलय हलत मधुर जियरा जियरानुभावे जियरानुभावे अब तो ये मन मोरा माने ना अब तो ये मन मोरा माने ना मन मोहन बिन बजाए मन मोहन मन मोहन बिन बजाए। अच्छा नंदिनी, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इस छोटी सी उम्र में तमाम सारे अवार्ड्स आपके पास हैं, दर्जनों तो कम से कम हैं, उससे ज्यादा ही हैं बल्कि। तो आप ये जो अवार्ड्स हैं वो कितना मोटिवेट करते हैं इस यंग एज में जब आप कोई अवार्ड पाती हैं तो? जी अवार्ड्स तो बहुत सारे हैं क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया हम दोनों बहनें बहुत बचपन से कॉम्पिटिशन्स करती आ रही है, प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे अवार्ड्स हैं। डेफिनेटली उसकी तरफ देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है क्योंकि हमने ऐसे अच्छे से एक शोकेस में रखे हैं, तो वो हर बार हर दिन, मैं तो कहूंगी कि हर दिन उठ के हम जो वो अवार्ड्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस मतलब उससे मोटिवेट होके हम आगे का काम कर सकते हैं, आगे रियाज कर सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत बहुत सारी मतलब बहुत आगे बाकी है, बहुत कुछ सीखना है, तो जरूरी अवार्ड्स मोटिवेट करते हैं। और सबसे बड़ा अवार्ड तो आपके लिए वही होगा जो आपके बारे में बहुत कहा और सुना भी जाता है, जब आपकी तारीफ ब्रिलियंट जीनियस एआर रहमान ने की थी। क्या एक्सपीरियंस था वो बताइए हमें। सबसे पहला एक्सपीरियंस तो मैं बताऊंगी कि अंजलि जो मेरी छोटी बहन है उसका गाना सुन के रहमान सर ने उसको मतलब उस टाइम हम दोनों का भी गाना सुन के रहमान सर ने उनके स्टूडियो में हमें बुलाया था और एक गाना भी गवाया था। तो उसके बाद पता नहीं कब और मतलब कैसे उनको ध्यान में रहा कि अभी एक आई थिंक एक 15-20 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में हम पूरी गायकवाड़ फैमिली की उन्होंने तारीफ की, वहां पे लिखा प्रॉपर की व्हाट अ ब्लेस्ड फैमिली और ये सब लिखा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है अंजलि नंदिनी गायकवाड़ ऑफिशियल, उस पर हमने एक यमन राग का बंदिश का वीडियो डाला है, तो स्पेशली वो वीडियो उन्होंने उसका लिंक डाल के वहां पे उन्होंने अपलोड किया, ट्वीट किया, और हम दोनों के बारे में बहुत मतलब उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो बहुत बहुत है हमारे लिए, और वो बहुत सौभाग्य की बात है कि यार रहमान जैसे बड़े हस्ती ने हम दोनों के लिए कुछ कहा है, तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। नंदी, कुछ सेमी क्लासिकल जॉनर से कुछ हो जाए, कोई ठुमरी कोई चैती जो आप हमें सुनाना चाहें। एक्चुअली मैंने ज्यादा सेमी क्लासिकल अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन एक ठुमरी का दो लाइन मैं सुनाती हूँ। याद पिया की आए है राम, याद पिया की आए, ये दुख सहना जाए है राम, ये दुख सहना जाए है राम, याद नंदिनी। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी जो जनरेशन है, आप म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं,
आप हिंदुस्तान के कौन से बड़े कलाकारों को सुनती हैं, शास्त्रीय संगीत के या उससे इतर भी, वो हमें बताइए। शास्त्रीय संगीत मैं बहुत बचपन से जैसे सीखते आ रही हूँ। वैसे मैंने पहले तो पापा ने ही हमें सुनाया, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, अमीर खां साहब, पंडित उल्लास जी कशालकर, अश्विनी भिड़े देश पांडे, और अभी अभी मैं मतलब बहुत सुनती हूँ, वो कौशिकी चक्रवर्ती जी है, और बहुत सारी गायिकाएं हैं, गायक हैं, जो बहुत मतलब उनका मैं बहुत सुनती हूँ और अनुकरण भी करती हूँ, वो प्रयास करती हूँ। और मैं सुगम भी गाती हूँ, गजलें गाती हूँ, तो हरिहरन जी है, गुलाम अली साहब है, गुलाम अली जी है, और उसके बाद हमारे अरिजीत सिंह है, श्रेया घोषाल जी है, तो ये सब मैंने जो नाम लिए वो ही नहीं, बाकी सब भी बहुत मैं सुनती हूँ, लेकिन इन सब लोगों का भी मैं खास तौर पे सुनती हूँ। नन्नी, हम इस इंटरव्यू को खत्म करें और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दें। उससे पहले एक बार फिर से ये गुजारिश करूंगा कि अभी तक तो मैंने सारी चीजें बहुत आपसे गुजारिश वाली रख दी, आपके मन के करीब, आपके दिल के जो करीब चीज हो वो तो हमने सुनी ही नहीं, तो कोई एक ऐसी चीज जो आप हमें सुनाना चाहें जो आपको पसंद हो। मैं एक भक्ति रचना सुनाती हूँ, पंडित भीमसेन जोशी जी ने ये गाई है, तो मैं प्रयास करती हूँ। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, मा जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, शरणागत गति पालनहारी, शरणागत गति पालनहारी, शरणागत गति पालनहारी, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। नन्नी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रागगिरी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे और बल्कि खूब सारा उसमें रस आए और उसमें रंग आए और ये जो सफर है वो और मजबूत होता जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद धन्यवाद, यहाँ पे मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।